वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज हम बात करेंगे, मतलब मैंने कल ना अपने सोशल मीडिया साइट पे एक फ़ोटो डाली थी, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो आपको पता है ये क्या था? गेस करो। हाँ, तो जब तक आप गेस करते हो, मैं बताती हूँ कि मुझे इस गेसिंग गेम में क्या क्या आंसर्स मिले। सबसे पहले, हाँ, जिन्होंने आंसर दिया है ख़राब मत मानना, ठीक है? आप लोगों का नाम रिवील नहीं करूँगी मैं। तो सबसे पहला आंसर जो मुझे मिला था वो था, क्या ये लॉटस है? ओ भाई, लॉटस मतलब मैंने इसके बगल में छोटे छोटे फूल भी रखे हैं, क्या वो लॉटस के अंदर से निकलते हैं? नहीं ना, थोड़ा तो ध्यान लगाओ, थोड़ा सा ध्यान। अच्छा, ये भी छोड़ो, ये तो अभी भी चलो पर्पल मिला लिया जिसने भी आंसर दिया। अब सुनो नेक्स्ट आंसर, ये मुझे भुट्टा लग रहा है, क्या ये भुट्टा है? तालिया। भुट्टा राव रंग का होता है भाई, और भुट्टे के अंदर से भी ऐसे फूल नहीं निकलते। माना उसमें भी ढेर सारे बीज होते हैं, पर उसमें से ऐसे फूल नहीं होते उसके अंदर, और वो हरे रंग का होता है। हाँ, आजकल वैसे लोग ऑर्गेनिक चीज़ें मतलब क्लोनिंग कर कर के ये सब कर लेते हैं, बट भुट्टा ना, ये तो कुछ और ही है जो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा चल, अगले में चलते हैं। तो उसके बाद मुझे एक ने जवाब दिया, क्या ये कोई अनाज का दाना है? अब वो अनाज के दाने की स्टोरी सुनो, हुआ क्या। तो ऐसी मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी जो मेरे साथ एनसीसी में थी, तो उसने मुझको कहा, क्या ये है क्या, बता दे, अब इतना सस्पेंस मत रख, संडे तक इंतज़ार ना होगा मुझसे। मैंने बोला, अच्छा तो ये वही है जिस पे तू एनसीसी के कैंप में ज़िंदा थी, और जितनी भी ये परेड ग्राउंड में परेडें होती है ना, उनके दौरान ज़िंदा थी। कहती, तब उसने कहा मुझे, क्या ये कोई अनाज है? मैंने बोला, एनसीसी के कैंप में चलो दाल चावल आटा रोटी सब मिलती है, ठीक है, अनाज उस समय चलेगा, बट एक चीज़ है जो सारे नेशनल कैडेट्स को मिलती है, और बिना उसके एनसीसी शायद ही किसी ने किया हो। मतलब कैंप में भी ऐसे टोकरे भर भर के होते थे वो, ठीक है, अब टोकरे में तो आप वो सब नहीं रखोगे ना जो आपने ऐसी अनाज आप कच्चा खा सकते हो, नहीं ना। क्या अनाज बोला रे, नहीं बोलना था अनाज। उसके बाद उसने बोला एक और हिंट, ना हिंट। मैंने बोला, जो एनसीसी में खाते हो ना, उसकी माँ है ये, ठीक है, और उसके साइड में जो छोटे छोटे फूल है ना, वो उसके बच्चे हैं। इस पे भी उसको समझ नहीं आया। वो क्या कहती मुझे सुनो, तो वो कहती, ये पका हुआ केला है क्या? पर्पल कलर का पका हुआ केला। और मैं ऐसी थी, चलो हो सकता है भाई, लोग कुछ भी बना रहे हैं आजकल, इन्वेंट कर रहे हैं कलर्स, बट शेप केले वाली नहीं थी, तो मज़ा नहीं आया। तो फाइनली मतलब मुझे रिवील करना ही पड़ा कि वो केले का फूल था। अब ऐसी इसी दौरान कई ऐसे जवाब मिले मुझे जो अलग अलग प्रांतों से थे, तो मुझे अलग अलग प्रांतों में उसे क्या क्या बुलाते हैं केले के फूल को, वो पता लगा। सबसे पहले मैं असम से ही शुरू करती हूँ। असम में इसको कोल दिल बुलाते हैं, कोल अर्थात केला, ठीक है, बनाना, और दिल यानी कि केले का दिल। इसको इंग्लिश में बनानाज हार्ट भी कहते हैं, तो उसी से ये कोल दिल हो गया। इसके बाद हम चलते हैं बंगाल में। अब बंगाल में इसको कहते हैं मोचा, ठीक है, MOCHA, मोचा। और अब हम चलते हैं थोड़ा ऊपर बिहार की तरफ, तो बिहार में क्या बुलाते हैं इसको, इसको बुलाते हैं केले का कोपाल। केले का जो फूल होता है उसमें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होती हैं, तो मतलब मैंने आज तक कभी किसी और चीज़ में इतनी सारी न्यूट्रिएंट्स देखी नहीं, तो जब से मैंने वो पढ़ा है ना, आई एम जस्ट सो सुपर एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू ऑल। मतलब सबके साथ शेयर करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो उसमें मैं बताती हूँ क्या क्या होता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए सी ई। उसके बाद आया
कैल्शियम बोला मैंने, अच्छा नहीं भी बोला तो फिर सुन लो ठीक है। फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारी है ना, मतलब मैं भूल जा रही हूँ कितनी बोली कितनी नहीं बोली, बहुत सारे, यू कैन चेक इट। हाँ मैडम, मैंने मेजर मेजर बता दिया। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। नंबर एक, इसको माना जाता है कि ये डायबिटीज़ को क्योर कर सकता है, ठीक है, बट इट्स नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, तो यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर। मुझे नहीं पता, मैंने बस जिन जिन सोर्सेज से मैंने पढ़ा है मैं वहीं से आपको शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जिनको PCOS होता है उसको भी ठीक करता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है तो आपकी हड्डियाँ अच्छी रहेंगी। विटामिन ए, सी, ई और फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, तो आप वो खाएंगे तो लॉटरी लगेगी। और अगर हम और आगे बात करें तो इसमें आयरन है तो आपका ब्लड लेवल सही रहेगा, आपका हेमोग्लोबिन बनता रहेगा। तो ऐसी कई सारी हैं। और ये हाँ, और ये आपके इंसुलिन के लेवल्स को मेंटेन करके रखता है, आपको कैंसर नहीं होगा, मतलब कैंसर के चांसेस कम करता है। मैं गारंटी तो नहीं ले सकती कि कैंसर नहीं होगा, मतलब चांसेस कम करता है। सो बहुत बेनिफिशियल है, यू मस्ट ट्राई इट। अगले संडे आपको मैं इसकी रेसिपी दूंगी, तो तब तक इंतज़ार करें इस रेसिपी के लिए। और ये मुझे बहुत पसंद है तो अगले संडे ज़रूर देखने का। और अगर आपको ये मिले बाज़ार में या किसी और घर में टंगा हुआ, आप उसको तोड़ के खा सकते हैं। यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि केले बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, और बाकी मैं रेसिपी के लिए थोड़ा बचा के रखती हूँ, ठीक है। चलो बाय।